हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में बिजनेस के बारे में तो बहुत सारी बातें की है, बट ये कभी डिस्कस नहीं किया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप बिजनेस करना चाहते हो या आप जॉब करना चाहते हो। क्योंकि काफी सारे लोगों को बहुत टाइम तक कंफ्यूजन होता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या सही होगा, क्या उनके लिए बिजनेस करना सही होगा या जॉब करना सही होगा। तो ये बात आपको कैसे क्लियर होगी, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बिजनेस और जॉब दोनों की अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, बट फिर भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपके लिए क्या सही है। इसीलिए मैंने आज आपके लिए 5 क्वेश्चन के टेम्पलेट तैयार किए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से पूछते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप करियर में क्या चाहते हो और आपके लिए क्या सही होगा। सो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये करना है, डू यू रियली ऑब्जर्व योर सेल्फ? क्या आप सच में खुद को ऑब्जर्व करते हो? क्या आप बारीकी से अपने आप को पहचान पाए हो अभी तक कि आपको रियल में क्या चाहिए? क्योंकि हम में से काफी सारे लोग खुद के डिसीजन जो है वो बाहर ही दुनिया को देख कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है, बट वो खुद को नहीं देखते हैं, वो दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं कि उनका फ्रेंड अगर बिजनेस कर रहा है या फिर मेरी फैमिली बिजनेस में है तो मुझे बिजनेस करना चाहिए, बट वो कभी डिसाइड नहीं करते कि उन्हें क्या सही लगता है, उन्हें उनके लिए क्या सही होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सारे जॉब के बारे में बात करते थे और शायद पढ़ाई भी जॉब के लिए करते थे, तो मुझे भी ऐसे ही फील होता था कि मुझे भी शायद जॉब ही करना चाहिए और सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो शायद मैं भी जॉब के लिए बनी हूँ। बट मुझे थर्ड डे में आते थे रियलाइज हो गया कि मैं जॉब के लिए नहीं बनी, मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस में अच्छा काम कर सकती हूँ। बट ये आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे डिसाइड करोगे आपके लिए क्या सही है? तो आपने शायद इमेजिनेशन के बारे में सुना होगा कि इमेजिनेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो मैं आपको यहाँ एक तरीका बताती हूँ इमेजिनेशन से रिलेटेड, जो आपको इस डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा कि आपके लिए क्या सही है, जॉब या बिजनेस। तो आपको 2 सिनेरियो इमेजिन करके चलना है। पहले सिनेरियो में आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो और आप वहाँ बैठकर काम कर रहे हो, और दूसरे सिनेरियो में आपको ये इमेजिन करना है कि आप उसी कंपनी में लीडर हो, सीईओ हो, या फिर उसी कंपनी आप लोगों को लीड कर रहे हो या दूसरों को गाइड कर रहे हो। तो आपको दोनों केस में कौन से सिनेरियो में ज्यादा मजा आ रहा है, क्या आपको उस कंपनी में काम करके मजा आ रहा है या उसी कंपनी में आपको लीडर बनके मजा आ रहा है? अगर आपको लीडर बनके मजा आ रहा है तो आप बिजनेस के लिए बने हो और बिजनेस आपके लिए बना है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बिजनेस करना चाहिए। बट अगर आपको फर्स्ट सिनेरियो में मजा आ रहा है, आपको एम्प्लॉय बनके मजा आ रहा है, उस काम में ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप जॉब के लिए बने हो। और हम लोग तो अपने 4-4, 5-5 साल तक पढ़ाई में लगा देते हैं, जॉब के पीछे पीछे भागते लगा देते हैं, बट कभी खुद से डिसाइड नहीं करते कि हम रियल में क्या चाहते हैं। तो आप कुछ दिन या कुछ महीने तो खुद को ऑब्जर्व करने में दे ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो अपनी पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो रियल लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जॉब करते करते थोड़ी बोर हो जाते हैं, बट अगर आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तो शायद आगे चल के आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ये करना है कि डू यू रियली फील अदर्स प्रॉब्लम? क्या आप दूसरों की प्रॉब्लम को फील कर पाते हो, या आपके अंदर एक अर्ज होती है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मैं अपने सारे वीडियोस में हमेशा कहती रहती हूँ कि बिजनेस ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप जब तक दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे, और तब तक आप कोई बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमें खुद को जानना होता है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। क्या आप खुद को फील करते हो कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो आप बिजनेस के लिए बने हो और आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस में आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। बट अगर इसका केस बिल्कुल उल्टा है, अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, ये नहीं जान पाते कि सामने इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, तो फिर आपके लिए जॉब करना ज्यादा बेटर होगा। बट आप ये मत सोचना कि बिजनेस ज्यादा अच्छा है या जॉब ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस अपनी अपनी जगह पे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। क्योंकि बिजनेस वर्ड सुनने में तो बहुत कूल लगता होगा, बट इसके पीछे जो हार्डशिप होती है, जो मेहनत होती है, वो एक एंटरप्रेन्योर ही जानता है। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, डू यू रियली सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स? क्या आप कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंप्लीफाई कर लेते हो? क्योंकि बिजनेस में हमें रोज रोज नए नए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, रोज नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो क्या आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना जानते हो? क्या आप बहुत सारे मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हो? क्योंकि जितना ही ज्यादा आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, जितना ही ज्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी होगा। मैंने अपनी स्टीव जॉब्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे स्टीव जॉब्स कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंप्लीफाई करते थे, इसीलिए आज उनको हर कोई जानता है, उनकी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने के टैलेंट को जानता है। तो क्या ये टैलेंट आपके अंदर है? क्या आप चीजों को सिंप्लीफाई करना जानते हो? अगर हाँ तो आप बिजनेस कर सकते हो और आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू हैव पेशेंस? क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्योंकि बिजनेस में आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिजनेस आप एक दिन में नहीं खड़ा कर सकते, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कल मेरा बिजनेस
ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कई कई महीने वेट करना पड़ता है, कई कई साल वेट करना पड़ता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स स्टार्ट कब हुआ था? नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ था 1999 में, और अब जाकर तो हम उसका नाम सुन रहे हैं, अब जाकर हम उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। बट जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने 1999 में नेटफ्लिक्स को स्टार्ट किया था, तब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना ज्यादा टाइम लगेगा ग्रो करने में। बट एट द सेम टाइम अगर वो उसी टाइम गिव अप कर देते तो शायद नेटफ्लिक्स इतना ग्रो भी नहीं कर पाते। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अगर आप गिव अप नहीं करते हो किसी भी चीज के लिए तो मे बी आप आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओ। तो कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। नेटफ्लिक्स को ग्रो होने में 20 साल लग गए, और कभी कभी तो लोगों की पूरी लाइफ लग जाती है बिजनेस को ग्रो करने में। तो क्या उतना पेशेंस, उतनी कंसिस्टेंसी आपके अंदर है कि आप इतना ज्यादा पेशेंट होकर एक ही काम को एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो? अगर हाँ तो आप बिजनेस कर सकते हो, बट अगर नहीं तो आपको जॉब की फील्ड में जाना ज्यादा बेटर होगा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, डू यू सॉल्व अदर प्रॉब्लम बाय डिफरेंट मेथड्स? क्या आप दूसरों की प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना जानते हो? मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आप फेस करते हो तो मे बी वो एक तरीके से सॉल्व ना हो पाए, तो आपको अलग अलग तरीकों से अलग अलग मेथड यूज करना पड़े किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या आप किसी एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग मेथड लगाकर सॉल्व करना जानते हो? अगर हाँ तो बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में आपको एक तरीके नहीं बल्कि हजार तरीके अपनाने पड़ते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको डेली नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, आपको डेली नए नए प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो क्या आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हो? नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, आर यू ऑनेस्ट एनफ? क्या आप ऑनेस्ट हो? क्योंकि बिजनेस में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं होकर कुछ टाइम तक पैसे कमा लोगे, तो हाँ आप कुछ टाइम तक पैसे तो कमा लोगे, बट आपके लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के चांसेस, आपके बिजनेस को स्केल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस में ऑनेस्टी की अलग वैल्यू होती है। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनको डिलाइट कर रहे हो, अगर उनको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान हो, तो वो आपके साथ ज्यादा टाइम तक जुड़ना पसंद करेंगे। बट अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो उनके साथ, अगर आप कोई गलत काम करते हो, उनको धोखा देते हो, तो फिर वो क्लाइंट समझ जाएंगे और आपके साथ दोबारा जुड़ना पसंद भी नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द बिजनेस। और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। आपको खुद को ऑब्जर्व करना आया होगा कि आप खुद को कैसे ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें अभी भी डाउट है कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके सामने रोज लाऊंगी और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।